नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना महानगर को दिल्ली NCR की तर्ज पर किया जाएगा तैयार। मेले में BJP विधायक का भूंजा बेचते हुए वीडियो हो रहा वायरल। दशहरे में भी बिहार के सरकारी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार दौरे पर बना कंफ्यूजन। मधुबनी में फर्जी शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कटिहार से साहिबगंज को जोड़ने वाला गंगा नदी पुल साल 2024 तक हो जाएगा तैयार। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बन रहे एक और पुल पर काम शुरू है, जो कि साल 2024 तक बनकर तैयार हो जाने वाला है। यह पुल गंगा नदी पर बन रहा है, जो कि कटिहार के मनिहारी गंगा घाट से झारखंड के साहिबगंज तक बनकर तैयार होगा। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए जाने वाला यह पुल देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल होगा। इस पुल में कुल 42 पिलर होंगे, जिस पर 4-लेन सड़क पुल का निर्माण होगा। साथ ही पुल के साथ सड़क की कुल लंबाई लगभग 22 किलोमीटर बनेगी। इसकी लागत 1900 करोड़ रुपए बताई गई है। इन बातों की जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री व कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन कटिहार में दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस पुल के बन जाने से आपसी रिश्तों के साथ ही बिहार और झारखंड के व्यापारिक रिश्ते भी और मजबूत होंगे। बिहार में वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या है चिंताजनक। बिहार में कोरोना के मामले भले ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वैक्सीन लेने वाले के आंकड़े अभी भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पहले डोज लेने वालों की संख्या तो संतोषजनक है, लेकिन दूसरे डोज लेने वाले की संख्या परेशान करने वाली है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग अब नए अंदाज में लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में अब तक 6,13,97,974 वैक्सीनेशन हुए हैं, जिसमें से 4,70,28,483 पहले डोज का वैक्सीनेशन और 1,41,69,491 दूसरे डोज के वैक्सीन लगाए गए हैं। यही कारण है कि कोरोना टीकाकरण में दोनों डोज के महत्व को समझाने के लिए एक अधूरा दो से पूरा की थीम पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद ही जंग को जीता जा सकता है। पंजाब FCI में नौकरी करने का है मौका। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए पंजाब FCI में नौकरी करने का मौका है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI ने पंजाब में अपने डिपो और कार्यालयों में वॉचमैन के पदों पर बहाली के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट FCI Punjab Watchword.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है, वहीं उम्मीदवार उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2021 से ही शुरू हो चुकी है। मुखिया पति के द्वारा CO को धमकाने के मामले में दर्ज हुआ FIR। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार वोटर्स का फैसला हैरान करने वाला है। इस बार कई पंचायतों में नए मुखिया को लोग चुन रहे हैं, जिससे अंदर ही अंदर पुराने मुखिया खार खाए दिख रहे हैं। इस बीच वैशाली जिले के हसनपुर उत्तरी पंचायत से मुखिया के पति ने रिजल्ट से पहले ही CO को धमकी दे डाली है, जिसके बाद CO ने उक्त मुखिया पति पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। FIR के मुताबिक 11 अक्टूबर की शाम मुखिया पति एक अज्ञात व्यक्ति के साथ CO के आवास पर घुसकर गाली गलौच और मारपीट की। वहीं पत्नी के चुनाव हारने पर जान से मारने की भी धमकी CO को दे डाली। इस घटना के बाद CO ने सरकारी पदाधिकारी के आवास पर पहुंचकर बदसलूकी करने व धमकी देने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम और अन्य मौसमी प्रभावों के कारण दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार, इन जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और इन जिलों में लोगों को गर्मी परेशान करेगी। दशहरे पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का लोगों ने लिया आनंद। लंबे समय तक बंद रहने के बाद बीते दिन दशहरे पर बगहा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को खोल दिया गया। साथ ही यहां के इको पार्क को भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। बताते चले कि लॉकडाउन और अन्य कारणों से इको पार्क के उद्घाटन के बाद इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि बीते दिन से इसके खुलने के बाद आसपास के पर्यटक यहां घूमने के लिए आए हैं। हालांकि इको टूरिज्म सेवा के लिए 22 अक्टूबर से स्पेशल पैकेज की भी शुरुआत की जाएगी। आपको बताते चले कि यहां
जहां लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस इको पार्क का निर्माण कराया गया है। वहीं बीते दिन शुक्रवार को VTR आए एक पुलिस पदाधिकारी पर्यटक बाघ को देखकर गदगद हो गए। VTR का भ्रमण करने निकले पर्यटकों ने जब यह दृश्य देखा तो अपने साथ चल रहे गाइड को उसकी फोटो लेने व वीडियो लेने का आगाह किया। यह सुहाना क्षण उनके लिए करीब 30 सेकंड तक रहा। मेले में बीजेपी विधायक का भुंजा बेचते हुए वीडियो हो रहा वायरल। इन दिनों अपने लीक से हटकर काम करने पर आम से लेकर खास चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कारनामा करके भागलपुर के पीरपैती से भाजपा विधायक चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल विधायक ललन पासवान दुर्गा पूजा मेले में एक बुजुर्ग महिला के दुकान में भुंजा बेच रहे थे, जिसका वीडियो भी उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर डाला, जिसके बाद यह वीडियो भी काफी वायरल हो रहा। पीरपैती विधायक का कहना था कि वे उस बुजुर्ग महिला के हौसला जाई के लिए उनके दुकान पर भुंजा बेच रहे थे। इस वीडियो को लेकर यूजर्स भी तरह तरह की बातें बोलकर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी विधायक जी कई अनोखे काम करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। दशहरे में भी बिहार के सरकारी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। सरकारी स्कूल के शिक्षक के त्योहार बिना सैलरी के फीके रहे। बीते 6 अक्टूबर को ही खुद राज्य के शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद अभी तक भी लाखों सरकारी शिक्षक बगैर वेतन ही अपना त्योहार बिता चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक सितंबर ही नहीं बल्कि अगस्त महीने का भी वेतन बकाया है, जो कि पंचायती राज द्वारा नियुक्त लाखों शिक्षकों को देना है। आपको बताते चले कि सरकार के मुताबिक करीब 784 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसके तहत 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को वेतन मान दिया जाना है। मगर दशहरा बीतने के बाद भी अब तक वेतन का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों में रोष छा गया है। मधुबनी में फर्जी शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। बिहार में जब से शिक्षकों के सारे डॉक्यूमेंट्स को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है, तब से कई फर्जी शिक्षक अलग अलग जिलों से धरा रहे हैं। ताजा मामले में मधुबनी जिले से 2 फर्जी शिक्षक धराए हैं, जिसके बाद उनकी सेवा को समाप्त करने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दोनों ही फर्जी मास्टर साहब की सेवा समाप्त करके अनुपालन रिपोर्ट को सौंपने का आदेश अधिकारियों को दिया है। बताते चले कि निगरानी जांच के तहत इन दोनों ही शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिस कारण से इनके विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। मामले में प्राथमिक विद्यालय डुमरा के शिक्षक किशोर पासवान और प्राथमिक विद्यालय बेहटा की शिक्षिका नम्रता कुमारी पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पटना महानगर को दिल्ली NCR की तर्ज पर किया जाएगा तैयार। बिहार की राजधानी पटना को दिल्ली NCR की तर्ज पर विकसित किए जाने की प्लानिंग शुरू हो गई है। इसके तहत पटना महानगर क्षेत्र को दिल्ली की तरह ही प्लानिंग के साथ बसाया जाना है। जिस तरह से दिल्ली में जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए उसके आसपास के इलाकों को विकसित किया जा रहा है, उसकी तरह ही पटना के भी आसपास के इलाकों को विकसित किया जाएगा, ताकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में भी बस सके। इसके तहत पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण ने एजेंसियों को आमंत्रित किया है। 27 अक्टूबर को इसके लिए एक वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसके बाद 17 नवंबर को निविदा खुलेगी। इसके बाद एजेंसी के चयन का अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके तहत बीटा, नौबतपुर, पुनपुन, फतुहा और खुसरूपुर में कई निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। जयनगर राजेंद्र नगर स्पेशल और सहरसा राजेंद्र नगर स्पेशल अब अलग अलग चलेंगी। रेलवे ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जयनगर राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन और सहरसा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन को 2 अलग अलग गाड़ी के रूप में चलाए जाने का फैसला लिया है। बताते चले कि जयनगर राजेंद्र नगर स्पेशल व सहरसा राजेंद्र नगर विशेष ट्रेनें जयनगर और सहरसा से क्रमशः चलने के बाद बरौनी स्टेशन पर मिलकर एक हो जाती है और फिर दोनों ही राजेंद्र नगर से एक गाड़ी बनकर चलती है, जिसके बाद बरौनी में अलग अलग होकर क्रमशः जयनगर और सहरसा के लिए प्रस्थान करती है। अब ये दोनों रेलगाड़ियों को 2 अलग अलग गाड़ियों के रूप में चलाया जा रहा है। जयनगर दानापुर विशेष गाड़ी अगले आदेश तक प्रत्येक रविवार को छोड़कर जयनगर से 10:50 बजे प्रस्थान करेगी, तो वहीं सहरसा राजेंद्र नगर विशेष गाड़ी अगले आदेश तक प्रत्येक रविवार को छोड़कर सहरसा से 12:20 पर प्रस्थान करेगी। राजद वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में लगी है बिहार कांग्रेस। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही राजद और कांग्रेस में दरार बन चुकी है और अब कांग्रेस राजद के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जुगत में रणनीतियां बना रही है। इसके लिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान में यादव जाति के नेताओं को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है, जिसके तहत तारापुर विधानसभा क्षेत्र में चंदन यादव को पार्टी का ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पे पूर्व कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन को ऑब्जर्वर बनाया गया है। बताते चले कि रंजीत रंजन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी है, जिनका यादव समुदाय पर बड़ा असर है।
ऐसे में पार्टी की तरफ से रंजीत रंजन को विधानसभा उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा यादव वोट को कांग्रेस के खेमे में लाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार दौरे पर बना कंफ्यूजन। बिहार में उपचुनाव को लेकर राजद की स्टार प्रचारक की लिस्ट में लालू यादव का नाम आने के बाद साफ हुआ था कि आरजेडी सुप्रीमो लंबे समय के बाद आखिरकार बिहार आएंगे। हालांकि इसके बाद से अब तक सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। दरअसल खुद लालू परिवार में ही उनके आगमन को लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र सिंह के मुताबिक लालू यादव 20 अक्टूबर को पटना आने वाले हैं, मगर दो दिन पहले ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा था कि फिलहाल लालू यादव बिहार नहीं आएंगे क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। वहीं अब बीते दिन उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर यह संकेत दिया है कि लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए बिहार आने वाले हैं। हालांकि अब देखना यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का बिहार दौरा इस सप्ताह होता है या फिर नहीं। वेब सीरीज स्क्विड गेम्स ने नेटफ्लिक्स पर तोड़े सारे रिकॉर्ड। कोरियन भाषा की वेब सीरीज स्क्विड गेम्स ने नेटफ्लिक्स पर पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस थ्रिलर सीरीज ने बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए 25 दिनों में 111 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि स्क्विड गेम रिलीज के 25 दिनों में सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज बनाई गई है। ह्वांग डोंग ह्यूक द्वारा निर्देशित शो का प्रीमियर 17 सितंबर को स्ट्रीमर पर हुआ था, साथ ही इसे हिंदी समेत नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में रिलीज किया गया। स्क्विड गेम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके रिलीज के बाद 3 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर स्क्विड गेम फेम जंग हो योन के फॉलोअर्स की संख्या 12.6 मिलियन पार कर गई। राहुल द्रविड़ के टीम इंडिया के हेड कोच बनने पर पक्की है बात। भारतीय टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद ये उम्मीद थी कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के बतौर मुख्य कोच के पद पर स्थापित हो सकते हैं। पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का भारतीय टीम के कोच बनने की बात लगातार खबरें में आ रही थी, लेकिन खबर ये भी थी कि द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच के पद पर सेवा देने के लिए मना कर रहे थे। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सीरीज में बतौर हेड कोच वो जुड़े थे और अब उम्मीद है कि राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड सीरीज से 2023 वनडे विश्व कप तक भारतीय टीम के मुख्य कोच होंगे। दरअसल बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव जय शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक के बाद उन्हें यूएई में T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम के कोच बनने के लिए मना लिया है, जिसके बाद ये सारे कयास खत्म हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आईपीएल सीजन 14 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत को देखते हुए क्या अगले सीजन में भी महेंद्र सिंह धोनी को ही चेन्नई टीम का कप्तान बने रहना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।